ना पूछो ना सर, कहा होते कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत मांझी जी ने कहा है कि 25 के बाद जो है 25 तो हो गया लेकिन देखिए वो किस आधार पर कह रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और हम लोग की पार्टी के जहां तक बात है, हम लोग अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरे ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं, संगठन विस्तार कर रहे हैं। और हम लोग का एक ही मनसा है हमारी पार्टी का कि हम 40 सीट जो लोकसभा की है बिहार में, उसको हम कैसे जीते, इस रणनीति पर विचार कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी क्या होगा, खेला होगा कि नहीं होगा, ये सब एक तरह से कल्पना भी है और उसके आधार पर हम लोग उस काम नहीं कर रहे हैं। जो परिस्थितियां आएगी, सामने आएगी, उससे हम लोग देखेंगे, उस परिस्थिति के अनुसार फिर बाद में रणनीति तय की जाएगी। लेकिन आज के समय में हम लोग पूरी तरह से एनडीए एक गुट है और एनडीए में जितने हम लोग सहयोगी दल हैं सब मिल करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। 40 के 40 सीट कैसे आएगा, इस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी इस पर हम लोग का कोई विचार नहीं। नीतीश कुमार का बयान आया है कि कांग्रेस जब तक सत्ता में रही सरकारी देखिए, नीतीश कुमार जी का जो बयान है वो सही बात है, हम भी इस बात को अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफी परेशान हैं, दम घुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के मद्देनजर अब चीजों का आकलन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से घोषणा की बात नहीं होती है, तब तक इसको मान ही लेना कि ऐसा हो ही गया या हो ही जाएगा, ऐसा कैसे कहना संभव है? दिल्ली में बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है, अपने सहयोगियों को भी बुलाया जा रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह मुझे बुलाए हैं कि जो भी होना होगा 1-2 दिन में हो जाएगा। इन ऐसे हालात में आप लोग जो जेडीयू छोड़ के आए थे उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में, वो चाहे इधर रहे उधर रहे। बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बिहार की जनता में एनडीए का वोटर हो या महागठबंधन का हो, नीतीश जी के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होते जा रहा है। लोग उनके इमेज को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हर 1 साल के बाद जो उनका दोस्त होता है वही उनका दुश्मन बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना,